देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है मॉर्निंग न्यूज का, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज होगा जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ। प्रधानमंत्री मोदी आज जल संचय जन भागीदारी पहल के शुभारंभ पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि इस पहल का लक्ष्य पूरे गुजरात में लगभग 24,800 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करना है। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में अमित शाह भी आज जम्मू दौरे पर रहेंगे, जहां वो भाजपा का घोषणा पत्र जारी करेंगे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज अमरोहा पहुंचेंगी, जहां वो गजरौला की श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी के दशम दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। आज झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी। बता दें कि मंत्रिपरिषद की बैठक आज शाम 4 बजे से झारखंड मंत्रालय के मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में चकलवंशी संडीला मार्ग पर आज भी आवागमन पूरी तरीके से बाधित रहेगा। मेथटीकुर रेलवे क्रॉसिंग 11AB पर रेल विभाग द्वारा ट्रैक मरम्मत और पैकिंग का काम किया जाएगा। इस दौरान वाहनों को सफीपुर और अन्य मार्गों से निकाला जाएगा। आदेश में हरतालिका तीज मनाई जाएगी। ये व्रत महिलाएं अपने जीवन साथी के सौभाग्य, अच्छी सेहत और लंबी आयु की कामना के लिए करती हैं। अगर आज पति पत्नी एक साथ पूजा करते हैं तो एक दूसरे के लिए प्रेम और सम्मान बढ़ता है। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने धनबाद होकर 3 वन वे स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है, जो विभिन्न महत्वपूर्ण मार्गों पर चलेंगी। इसमें अम्बाला कैंट खड़गपुर वन वे स्पेशल, सुल्तानपुर पुरी वन वे स्पेशल, लखनऊ से कोलकाता स्पेशल ट्रेन शामिल है। एक्ट्रेस और भाजपा सांसद कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी आज थिएटर में रिलीज नहीं होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड को तुरंत प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। बता दें कि अभी तक कंगना रनौत की फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिला है। नर्मदापुरम में बिजली कंपनी आज 11 KV लाइन का मेंटेनेंस कार्य करेगी, जिस कारण शहर के अलग अलग क्षेत्रों में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी। लखनऊ में आज 8 सितंबर तक लगातार बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग की माने तो 8 सितंबर तक लगातार बारिश के बाद फिर से मौसम करवट लेगा। तापमान में बढ़ोतरी होगी और उमस भरी गर्मी परेशान करेगी। वक्त हो गया है आज के इतिहास का, तो आइए नगर डाल लेते हैं आज के इतिहास पर। साल 1914 में आज के दिन फ्रांस एवं जर्मनी के बीच मारने का युद्ध प्रारंभ हुआ था। साल 1929 में आज के दिन भारतीय फिल्म निर्माता यश जौहर का जन्म हुआ था। साल 1968 में आज के दिन अफ्रीकी देश स्वाजीलैंड को ब्रिटेन से आजादी मिली। साल 2003 में आज के दिन फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री महमूद अब्बास ने इस्तीफा दिया था। साल 2009 में आज के दिन पंजाब के मुख्यमंत्री हरचरण सिंह बराड़ का निधन हुआ था। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।